कोरिया के एक रेस्टोरेंट में एक रहस्यमय शेफ रहता है। वह पूरे दिन खाना बनाता है, शायद ही कभी अन्य लोगों के साथ बातचीत करने के लिए बाहर जाता है, इसलिए कोई नहीं जानता कि वह मशहूर गैंगस्टर बॉस हुआ करता था। उसकी हर कोई प्रशंसा करता है, क्योंकि जो जमा नहीं करते वे सभी मर जाएंगे। एक साल पहले चियो सीक ने इस रेस्टोरेंट में एंट्री की थी। वह हर तरफ खून से लथपथ था। अभी अभी उसने एक प्रतिद्वंद्वी संघ का परिसमापन किया था। चियो सोक भी गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे कमरे में शोर सुनाई दिया। चियो सीक ने दरवाजा खोला तो पाया कि दुकान के मालिक ने आत्महत्या कर ली है। यह देखकर कि बॉस मरने वाला था, चियो सीक ने झट से रस्सी काट दी। आप आत्महत्या क्यों करना चाहेंगे? पता चला कि मालिक की बेटी की मौत हो गई थी, क्योंकि दुख ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। चलो अच्छी तरह से रहते हैं। चियो सोक भी अपने वर्तमान जीवन से निराश था। मालिक को दिलासा देने के बाद उसने रसोईये के रूप में रहने का फैसला किया। आमतौर पर जीवन बहुत शांतिपूर्ण होता है। कामकाजी दिन, शाम बिल्लियों की देखभाल करना, जीवन इतना आसान है। जब तक एक आदमी डिलीवरी मैन के रूप में काम करने नहीं आया, रेस्टोरेंट के मालिक ने उसे काम करने के लिए स्वीकार किया, साथ ही खाने और रहने का भी इंतजाम किया। लेकिन यह TLL पर्सनैलिटी बेहद ही अनियंत्रित है, उसने चियो सोक को नाराज कर दिया। एक दूसरे बाद में चियो सोक ने चौंक कर देखा। रेस्टोरेंट के मालिक ने केवल कुछ क्रैश ही सुने। TLL 6 घंटे से ज्यादा समय तक कोमा में रहा। चियो सोक को उसे वापस ले जाना पड़ा। TLL ने दिवास्वप्न देखा और देखा कि चियो सोक उसे प्यार से देख रहा है। एक पल के लिए TLL जाग गया था, लेकिन खर्राटे क्यों लेते हैं? यह पता चला कि चियो सोक अपनी आंखें खोलकर सोया था। उसकी यह आदत है। ठीक उसी तरह टीक चियो सोक के परिवार में शामिल हो गया। साथ रहने के बाद टीक का पता चला। चियो सोक ने शायद ही कभी मार्शल आर्ट का इस्तेमाल किया हो। वह नाचने का अभ्यास करने लगा। हर दिन वह बैंड के साथ कांपता खड़ा रहता था। आंखों के लिए बहुत गर्म। सागौन अब और नहीं देख सकता। नाचना बंद करो। मत, अब और मत नाचो। मेरी मूर्ति का अपमान मत करो, कमीने। कार खाकर सागौन फिर से लुढ़क जाएगा। सागौन रात को सो नहीं सकता। उसने गुमान को छत पर आमंत्रित किया, जो एक शिपर भी है। वे बात कर ही रहे थे कि उन्होंने चियो सोक को देखा। अब सागौन चियो सोक से डरेगा। इसी दौरान एक लड़की सड़क पर दौड़ती हुई नजर आई, जैसे किसी का पीछा किया जा रहा हो। बहुत जल्दी एक कार ऊपर चली गई। दो लोगों ने युवती को पकड़ लिया। पता चला कि ये दोनों तस्कर हैं। ठीक अब और नहीं रख सकता था। वे महिलाओं को धमकाने क्यों जा रहे हैं? सागौन खत्म हो जाएगा। फिर उसे बुरी तरह पीटा गया। यह नाम वापस नहीं आता है। सागौन चियो सोक को बुलाएगा। चियो सोक ने अभिनय किया जैसे उसने इसे नहीं देखा। गुमान बचाव के लिए आया। इसे मेरे लिए रोको। यह आदमी हैरान है, क्या अपने ही इतने दुष्ट हैं? पड़ोसी बातें करने लगे। ये दोनों नाम कार्य करने के लिए सुविधाजनक नहीं है। मुझे आपके चेहरे पहले से ही याद हैं, बस प्रतीक्षा करें। उनके जाने के बाद लड़की को वापस रेस्टोरेंट में जाया गया। क्योंसू एक अनाथ है, कभी फुल कभी नहीं। भागने के दौरान जूते भी गुम हो गए, लेकिन क्योंसू ने भी भीख नहीं ली। क्योंसू रेस्तरां से बाहर चले गए। अचानक उसे कुछ लगा। सागौन अपने जूते क्योंसू को फेंक देंगे। यह सेकंड हैंड जूता है, लेकिन अभी क्योंसू को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तब ठीक चियो सोक से बदला लेगा। उन्होंने चियो सोक को कायर होने के लिए डांटा, लेकिन चियो सोक का पर्दाफाश होगा, इसलिए ज्यादा परेशानी। फिर सागौन माल देने जाएगा। आमतौर पर वह सिर्फ मैना है, लेकिन उसका काम किसी से कम नहीं है। एक महीना बहुत जल्दी बीत गया। सागौन वेतन राशि मिलेगी। यह वास्तव में अर्थपूर्ण है। चियो सोक जानता था कि ताइक घर से भाग गया था और उसकी माँ अभी भी घर पर थी। उन्होंने TLL को घर जाने की सलाह दी। मैंने आपको पहले ही कहा था, मेरी माँ और मेरे बीच बहस हुई थी। चियो सोक ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता था, इसलिए सागौन LL आ। चियो सोक को अपनी ओर आते देख ताइक रात में घर की ओर दौड़ पड़ा। घर पहुँचने के बाद जैसा उसने अनुमान लगाया था, वे सिर्फ मिले और झगड़ा किया। टीक की माँ चाहती है कि वह स्कूल जाना जारी रखे। वह नहीं चाहती थी कि टीक ही कुछ और करे। सागौन अब और नहीं लड़ना चाहता। उसने अपनी तनख्वाह निकाली और टेबल पर फेंक दी और चला गया। टीक सीखने के लिए उत्सुक नहीं होगा। वह इसे अपनी माँ को साबित करना चाहता था। एल पैसे कमाने के लिए दूसरे तरीके का इस्तेमाल करेगा।
पीछे मुड़कर देखा तो ताइक ने देखा कि परसों की लड़की भी यहाँ आ गई थी। यह पता चला कि रेस्तरा के मालिक ने क्यूंगसू को वेटर के रूप में रहने दिया, लेकिन दूसरे दिन के लोग फिर आए। उन्होंने मालिक को जमीन पर पटक दिया। टीकेएलएल और गुमन वापस लड़ते हैं, लेकिन जीत नहीं पाते। हाथापाई के दौरान टीकेएलएल फेंका गया और किसी चीप से टकरा गया। यह सराय वाले की बेटी की राख निकली। सराय का मालिक हैरान था, उसकी आंखें लाल और गुलाबी थी। उसने राख को अपनी बाहों में पकड़ लिया। उस दृश्य को देखकर जियो सोप को गुस्सा आ गया। उसने उनमें से एक को उड़ा दिया। एक और लड़के ने जमकर मुट्ठी उठाई, लेकिन उनके पैर जमीन से उठे हुए थे। जियो सेक ने उसे मेज पर फेंक दिया, फिर उसे फिर से बाहर फेंक दिया। एक और नाम आ गया। एक कान का थप्पड़ मारो। जियो सेक ने चाकू को वापस पलट दिया। एक और थप्पड़। इसी दौरान एक युवक ने उसके सिर पर गमला फोड़ दिया। जियो सोप और भी क्रोधित हो गया। उसने एक मुक्का मारा, फिर दूसरे लड़के का सिर पकड़कर टेबल पर दबा दें, रेस्तरा की विशेष डिश लाइटर खाने की पेशकश करें। फिर उसने मारते हुए कहा, तुम्हारे दांत पहले गिरेंगे, है ना? या यह पहले फट जाएगा। आखिरी वाला चाकू रखता है। जियो सेक के शरीर को छूना, वह ध्यान आकर्षित करता है। खत्म हो गया, झगड़ा समाप्त हुआ। तभी पुलिस आ गई, उनकी जांच की गई और बाद में जेल गए। जियो सेक के बारे में क्या? पुलिस उसके साथ बहुत विनम्र थी, वे उन्हें वापस भी ले आए। हालांकि जियो सेक खुश नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि उसका पर्दाफाश हो चुका है। उसके बाद वह अब और चैन से नहीं रह सका। इतना जरूर है, अगले दिन लोगों का एक समूह दुकान के सामने खड़ा था। इसके अलावा वे सभी लग्जरी कारों में चल रहे थे। सागौन जियो सेक को किसी से बात करते हुए देखेंगे, यह व्यक्ति अधीनस्थ है। उन्होंने जियो सेक को वापस आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि जियो सेक के गायब होने के बाद से अन्य गुटों ने उन्हें मार डाला। उसने भी कहा, बॉस आपकी पहचान उजागर हो गई है, तुम उन्हें खोजने नहीं आओगे, लेकिन वे तुम्हारे लिए आएंगे। यही काला समाज है, इसलिए आपको आदेश लेना चाहिए। वैसे भी आपको अपने लिए काम करना होगा। उस रात जियो सेक ने पूरे दिन सोचा और अंत में दुकान से बाहर चला गया। वह कार में बैठा और चला गया। बाद में मौजूद लोग सभी निराश थे। इस समय टीकेएलएल परिवार फिर से हुआ। टीकेएलएल की माँ एक सुशी रेस्तरा खोलना चाहती थी, लेकिन उसे धोखे से लोन शार्किंग में डाल दिया गया। वे ठग घर आने वाले हैं। टीकेएलएल को मदद के लिए जियो सेक को बुलाना पड़ा, लेकिन जियो सेक ने कहा, अब आप बच्चे नहीं रहे, आपको अपनी समस्याओं का समाधान खुद करना होगा। जियो सोक कैरियो की बार के एक कमरे में दाखिल हुआ। अन्य दो राज्यों के बॉस भी यहाँ हैं। जियो सेक ने दो टूक कहा, कृपया भविष्य में मेरे क्षेत्र में बात करने के लिए ना आए। शब्द बड़े विनम्र हैं। बिग ब्रदर ने सोचा कि जियो सोक डर जानता है। वार्ता विफल रही। जियो सोक छोड़ना चाहता था, लेकिन उसे रोक दिया गया था। क्या आप मुझे एक गाना गाते हुए सुनना चाहते हैं? मारपीट की आवाज़ सुनकर जूनियर्स जमा हो गए, लेकिन किसी ने अंदर जाने की हिम्मत नहीं की। कक्ष संख्या 5 में 6 नाम पड़े हुए हैं। जियो सेक ने दूसरे राज्य के बॉस को मुक्का मारा। बोलते बोलते उसकी सांस फूल गई। खाना भूनने से ज्यादा मुश्किल लड़ाई है। इस तरफ टीकेएलएल के दरवाजे पर मुसीबत आ खड़ी हुई है। साहूकार माँ बेटी का आखिरी पैसा चुराना चाहते थे। यह वह वेतन है जो टीक अभी अभी अपनी माँ को देगा। उन्होंने टीक को नीचे धकेला और उसके चेहरे पर लात मारी। पर्याप्त पैसा नहीं है, अगले दिन हम फिर आए। उसने पैसे लिए और चला गया। टीकेएलएल की माँ, जो आमतौर पर बहुत शांत रहती है, अचानक खड़ी हुई और बाहर चली गई। कातिल आँखें। अपनी युवावस्था में टीकेएलएल की माँ एक उत्तम दर्जे की वॉलीबॉल खिलाड़ी थी। गैर आक्रामक का मतलब कमजोर नहीं है। टीकेएलएल की माँ दौड़ी और फिर ठग के चेहरे पर थप्पड़ मारने के लिए स्वर्ग जैसी हथेली छोड़ी। वह युवक मौके पर ही बेहोश हो गया। उसने वह पैसा उठाया जिसके लिए उसके बेटे ने कड़ी मेहनत की थी। क्या मैंने तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा था? मैंने तुमसे कहा था कि मैं भुगतान करूंगा। जियो सोक अब कैरियो की बार से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहा था। सड़क पर चलते समय उसने घाव को पकड़ रखा था। लड़के वाले उसे लेने आए। रॉक जमाना, आप यहाँ क्यों आए थे? उसे अभी भी नहीं पता था कि जियो सेक ने अपने दम पर सब कुछ संभाल लिया था। जियो सोक गंभीर रूप से घायल हो गया और राज्य वापस नहीं आया, बल्कि एक रेस्तरा में गया। उसने अपनी खूनी कमीज पहनी और खाना बनाने के लिए रसोई में चला गया। जियो सेक ने कहा, मैं अब ऐसा व्यक्ति हूँ, मेरा मतलब है अब मैं सिर्फ शेफ बनना चाहता हूँ। उन्होंने सभी एहसानों का भुगतान भी किया। बाउल नूडल्स खाने के बाद वे अब सेक्स नहीं करेंगे, वास्तव में मजबूत अपने भाग्य को अपने हाथ की हथेली में रखेंगे। चाहे वह हर जगह लड़ने वाला बूढ़ा हो या रसोईया, बस शांति से जियो।